मित्रों, विगत वर्षों में देश की आंतरिक सुरक्षा में बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। पहले एक और उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्र में आए दिन कई बड़ी घटनाओं के समाचार आते थे, मगर ये 8 साल में उत्तर पूर्व में कभी आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया जाता था, वहां आज युवाओं को अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्पेशल पावर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में भी कभी युवाओं के द्वारा पत्थरबाजी हुआ करती थी, आज वही युवा पंच सरपंच बनकर लोकतांत्रिक तरीके से जम्मू कश्मीर के विकास में लगे हैं। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी जहां एक जमाने में ढेर सारी घटनाएं हुआ करती थी, वहां आज एकलव्य स्कूलों में राष्ट्रगान होता है और हर घर पर तिरंगा फहरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गृह विभाग ने ढेर सारे प्रोएक्टिव कदम उठाए हैं और उन कदमों को नीचे तक ले जाने का काम हमारे देश भर की पुलिस फोर्स और हमारे सीएपीएफ ने किया है। आज मुझे इस बात का संतोष है कि देश के अधिकांश हॉटस्पॉट राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से लगभग मुक्त पाए गए हैं। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का और संतोष का विषय है।